आप सभी लोग समय समय पर देखते रहते होंगे कि जो हमारा इलेक्शन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े रहते हैं। और आपको बता दूं कि जब भी चुनाव होते हैं या बाकी टाइम में भी आप देखते होंगे कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस पर एक तरह से आप कहिए कि निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, आपको बता दूं इससे पहले जो भी सत्ता में रही है सरकारें, ऐसा कहा जाता है कि उनका पक्ष लेता है चुनाव आयोग। और अभी हाल में ही आप देखिए फिर से इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने चुनाव देखे होंगे, विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर टिप्पणी की थी और सवाल खड़े किए हुए थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे कि आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। और वैसे एक बात और आपको बता देता हूं कि देखिए हम सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दम भरते रहते हैं, और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सभी के पास वोट देने का अधिकार भी होता है, और सभी के वोट की शक्ति उतनी ही होती है सभी लोगों की, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, निचली जाति से आते हैं, ऊपरी जाति से आते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपके वोट की वे एक तरह से आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके एक वोट से हार रहा है तो आपके से भी हारेगा और अमीर के से भी हारेगा, यानी कि दोनों की बराबर शक्ति है, समझ रहे हैं आप? तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इन्हीं बातों को हम लोगों ने एक तरह से आप सोचिए कि हमारे संविधान निर्माता जो भी रहे हैं उन्होंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैसे के लिए निष्पक्ष स्वतंत्र एक संस्था बनाई हुई थी, उसका नाम है चुनाव आयोग, इलेक्शन ऑफ इंडिया, और ये संवैधानिक निकाय है। और इससे आप लोग अगर पुरानी क्वेश्चंस पेपर अपनी परीक्षाओं के उठा के देखे होंगे तो हर परीक्षा में क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं चुनाव आयोग से। और आपके देश में जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ये आपका भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, यही देखभाल करता है इसकी। लेकिन जो आपके राज्यों में आप देखते होंगे कि लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, पंचायत, सरपंच की बात कर रहा हूँ, प्रधान वही, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, ये सभी चुनाव करवाते हैं। आपके जो राज्य के चुनाव आयोग होते हैं ना, हर राज्य में आप देखेंगे अपना चुनाव आयोग होता है, उन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखा करिएगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं। अब आपके सामने उत्तर प्रदेश के खड़े हुए हैं 5 राज्यों, पंजाब भी उसमें शामिल है, श्रीलंका देख लीजिए, पड़ोसी बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और अन्य अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कोरमार और अनूप पांडे द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बुलाई गई एक ऑनलाइन वार्ता में भाग लेने पर विपक्ष ने 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और आलोचकों का इसकी आलोचना करने वाले इस पर सवाल खड़े करने वाले लोगों का एक तरह से तर्क है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और पीएमओ द्वारा निर्वाचन आयोग को इस तरह की वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। आलोचकों का कहना ये है, विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं का, या और भी आप देखिए जो हमारे देश के समाज सेवी होते हैं इस तरह के कानून में, इस तरह के संविधान में देखिए आस्था रखते हैं कि इस तरह की प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बुलाई गई मीटिंग में हमारे ना तो मुख्य चुनाव आयुक्त को और अन्य चुनाव आयुक्त को भाग नहीं लेना चाहिए था, इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए था, या फिर इन्हें सरकार पीएमओ को द्वारा नहीं बुलाना चाहिए था, और इसीलिए इनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर देखिए सवाल उठा है तो केंद्र सरकार कुछ तो सफाई देगी, कुछ तो एक तरह से आप समझ रहे हैं, कुछ तो सरकार कहेगी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक रूप से विधि मंत्रालय के अंतर्गत आता है और विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक संप्रेषण में उक्त प्रकरण के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह बैठक चुनावी सुधार पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, और साथ ही मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह बैठक मात्र एक अनौपचारिक वार्ता थी। यानी कि सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का ये कहना है कि हमने चुनाव सुधार की बात हो रही है, और अभी आपने देखा है कि हाल ही में
लोकसभा में एक प्रस्ताव भी लाया गया है चुनाव को देखते हुए कि आपके मतदान जो मतदाता सूची होती है उसे आधार कार्ड से जोड़ने की बात की जा रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए और भी चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए हमने इन्हें बुलाया हुआ था। एक केंद्र सरकार की तरफ से सफाई दी गई है, एक तरह से आप कह सकते हैं। क्या दी गई है? सफाई दी गई है। और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी निर्देश निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र कामकाज के बारे में चिंता उत्पन्न करते हैं और अनुक्रमिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो द्वारा निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता की रक्षा का जोशपूर्ण तरह से प्रयास किया जाता है। और खासकर महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश जिसमें शामिल है, और ऐसे में अनौपचारिक वार्ता से आयोग की निष्पक्षता के बारे में भी सवाल उठते हैं। और संविधान में अगर हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बार चुनाव आयोग स्थापना कब हुई थी, इसके अस्तित्व में कब आया था? 25 जनवरी 1950 को। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। और पहले हमारे चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। निर्वाचन आयोग संविधानिक प्राधिकरण है, पहले भी बता चुका हूं। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारियों और शक्तियां निर्धारित की गई हैं। एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ ले, कई बार पूछ भी लेता है कि चुनाव आयोग की व्यवस्था, भारतीय चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो 324 में। निर्वाचन आयोग कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहता है और निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आयोजित करने, चाहे आम चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, हेतु चुनाव कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं निर्वाचन आयोग ही मतदान केंद्र के स्थान, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों का नेतन, मतदान मतगणना केंद्रों के स्थान, मतदाता मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों और इनके आसपास की जाने वाली व्यवस्थाओं और सभी संबद्ध मामलों पर निर्णय लेता है। कौन? चुनाव आयोग लेता है। और बिहार के चुनाव आप लोगों ने देखेंगे उस समय भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए थे कि बीजेपी को और नीतीश कुमार को चुनाव आयोग ने चुनाव जिता दिया कई सीटों पर, समझ रहे हैं? तो निर्वाचन आयोग के निर्णयों को उपयुक्त याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। और लंबे समय से चली आ रही परंपरा के कई न्यायिक निर्णयों के अनुसार एक बार चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायपालिका चुनाव के वास्तविक संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर डेट अनाउंस हो गई है और प्रक्रिया शुरू हो गई है तो उसके बाद हो रही कि उसके बाद कोई न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है वैसे, ठीक है? अगर हम लोग निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच सूचना की बात करें, संप्रेषण की बात करें, तो निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी मामलों पर सरकार या तो अपने प्रशासनिक मंत्रालय यानी कि विधि मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय के साथ चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए नौकरशाही के माध्यम से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करता है। किससे? विधि मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय के साथ। ऐसे मामलों में प्रयाग गृह सचिव को पूर्ण आयोग के समक्ष आमंत्रित किया जाता है जिसमें तीनों निर्वाचन आयुक्त भी मौजूद रहते हैं। और इनकी नियुक्ति याद रखिए राष्ट्रपति साहब करते हैं। किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की और अन्य चुनाव आयुक्त की। और विधि मंत्रालय द्वारा देश के कानून की बारीकियां स्पष्ट की जा सकती जाती हैं और मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु प्रदत्त संविधानिक सुरक्षा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, उल्लंघन नहीं किया जाएगा। हाल में ही कुछ समय पहले और भी कुछ घटनाएं घटी थी, उन पर भी सवाल खड़े हुए थे हमारे देश में चुनाव आयोग पर। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मामले में क्लीन चिट दी थी जिसमें प्रधानमंत्री ने लातूर में एक चुनाव रैली में सशक्त बलों की ओर से एक अपील के साथ अपने अभियान का संदर्भ दिया था। और इसके बाद आपने देखा है कि एक तरह से कहा, आप कह सकते हैं कि यही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब का पक्ष लिया था चुनाव आयोग ने, ठीक है? 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की कई उल्लंघन भी हुए हैं तो उसको लेकर भी आपने देखा है कि सत्ता पक्ष के लोगों पर सवाल खड़े होते रहते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े रहते हैं। और इस वर्ष एक भयंकर महामारी के बीच चुनाव अभियानों पर प्रतिबंध लगाने में आयोग के विलंबित निर्णय पर भी सवाल उठे थे। और आपने देखा होगा कई हाईकोर्टों ने चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी हुई थी और फटकार भी लगाई हुई थी। और आपने देखा होगा कि यहां तक कह दिया था कि ये मौतें अगर हो रही हैं
तो इसके जिम्मेदार चुनाव आयोग है। और इसी को लेकर आपने देखा है कि चुनाव आयोग कोर्ट भी चला गया था। तो इस तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। और आप देखिए, कई इसके सवालों में दम होता है और कई सवालों में दम नहीं होता है। और आपसे इससे पहले बीजेपी की आ सकता है केंद्र में, इससे पहले आप लोग कांग्रेस के समय जाइए, उस समय भी होते रहते थे। फिलहाल ये देखिए, आलोचना होती रहती है, लेकिन आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आता है, तो वहां भी आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट भी याद रखना है, नेगेटिव पॉइंट भी याद रखना है, और नीचे अपना निष्कर्ष भी लिखना है, अपने मन का जो बात है, ठीक है। और मुझे लगता है कि निष्पक्ष तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं किसी आर्टिकल को, तो आप लोग बेहतर आंसर लिख भी पाएंगे, ठीक है।